अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। हम लाए हैं आपके लिए पांच राज्यों की विशेष खबरें। चंडीगढ़ में बसों के लिए बनाई जाएगी स्पेशल लेन। LIC के नाम पर बुजुर्ग से ठगे लाखों रुपए। पूर्व CM भूपिंदर सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ी, ED ने शिकंजा कसा। चंडीगढ़ किसकी राजधानी, हरियाणा या पंजाब, इसका कोई सबूत नहीं। लुधियाना में महिला के पेट से निकली 1560 पथरियां। सांसद भगवंत मान बोले, पंजाब में विधानसभा के सभी उपचुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। 9000 फीट की ऊंचाई पर बना देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक। हिमाचल में विधवा पेंशन में हुए बदलाव। परिवर्तन यात्रा में मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर बरसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। 29 अक्टूबर से DTC और क्लस्टर बसों में महिलाएं करेंगी मुफ्त सफर। अब खबरें विस्तार से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शहर में विशेष बस लेन बनाई जाएगी। इससे बसें निर्बाध रूप से दौड़ सके, ट्रैफिक जाम में बसें ना फंसे और तेजी से सफर तय करें, इसलिए यह बस लेन बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत सबसे पहले उद्योगपत से होगी। आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट ने इसका लेआउट प्लान तैयार कर लिया है। LIC और भारतीय एक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का झांसा देकर बुजुर्गों को फंसाकर उनसे लाखों रुपए ठगने वाले 3 आरोपियों को डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने अरेस्ट किया है। आरोपियों की पहचान आनंद मिश्रा सेक्टर 19 द्वारका न्यू दिल्ली, प्रमोद निवासी रोहिणी आजमगढ़ UP, हाल निवासी प्रधान इंक्लेव बराड़ी दिल्ली और करण शांति मोहल्ला गांधी नगर न्यू दिल्ली के रूप में हुई है। हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई में उलझे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ने हुड्डा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पंचकुला के औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में वीरवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निर्देशालय ने उन सभी 14 प्लाटों को अटैच कर दिया है जिन्हें हुड्डा ने अपने संबंधियों, जान पहचान के लोगों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटित किए थे। 30,34,00,000 रुपए कीमत के यह औद्योगिक प्लाट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच किए गए हैं। हरियाणा और पंजाब भले ही लंबे समय से चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जता रहे हैं, लेकिन दोनों राज्यों के पास इस बात का कोई लिखित सबूत नहीं है कि चंडीगढ़ उनकी राजधानी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों को एडवोकेट जनरल से ऐसी कोई नोटिफिकेशन दिखाने को कहा था जिसमें यह साबित हो सके कि चंडीगढ़ पंजाब अथवा हरियाणा की राजधानी नहीं है। दोनों राज्य हाई कोर्ट में ऐसी कोई अधिसूचना पेश नहीं कर सके जिस कारण यह मामला अब पेचीदा हो सकता है। लुधियाना की एक महिला के पेट में दर्द होता था, चेकअप कराने पर पित्ते में पथरी का पता चला, लेकिन जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पित्ते की थैली निकाली तो वह भी हैरान रह गए। दरअसल महिला के पित्ते की थैली में तकरीबन 1,560 पथरियां थी। डॉक्टरों के अनुसार मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा केस रेयर ही आता है। महिला का लैप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत में अब सुधार है। सांसद भगवत मान बोले, पंजाब में विधानसभा के सभी उपचुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान अध्यक्ष व सांसद भगवत मान ने कहा कि पार्टी पंजाब में विधानसभा के सभी उपचुनाव लड़ेगी। पार्टी राज्य में पूरी तरह सक्रिय होगी और लोगों के हितों की लड़ाई लड़ेगी। पार्टी की पंजाब कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। पर्यटन नगरी मनाली के पर्यटन स्थल गुलाबा में 9000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। वीरवार को ट्रैक का सफल ट्रायल किया गया। इस ट्रैक की दूरी 350 मीटर है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसे विधिवत रूप से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह ट्रैक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण खेल संस्थान मनाली के निर्देशक कर्नल नीरज राणा की देखरेख में बना है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 40 व इससे कम उम्र में विधवा हुई महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देने के लिए राज्य सरकार वार्षिक आय सीमा के दायरे में बदलाव करेगी। पेंशन के लिए अभी 35,000 सालाना आय का नियम तय किया गया है। जो विधवा महिलाएं 45 वर्ष से कम है उनको नर्सिंग कोर्स करवाया जाएगा। जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं उन्हें कौशल विकास निगम के माध्यम से ट्रेनिंग करवा कर लोन भी मुहैया करवाया जाएगा ताकि वह अपना कारोबार शुरू कर सके। दिल्ली के भलसवा डेयरी में आयोजित दिल्ली बचाओ परिवर्तन यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और सांसद हंसराज हंस समेत कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल से पिछली सरकारों ने यमुना नदी का दिल्ली में बुरा हाल कर दिया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। डीटीसी और क्लस्टर बसें में हम महिलाएं अब 29 अक्टूबर से मुफ्त में सफर कर सकेंगी। दिल्ली कैबिनेट ने बसों में मुफ्त सफर के लिए संवैधानिक मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।